डायबिटीज़ होने के बाद मरीज को अपनी डाइट में बहुत सारे चेंज करने पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा खाने में शुगर वाली चीज़ें नहीं लेनी होती, यानी कि मीठी चीज़ों से तौबा करनी होती है। ज़्यादातर लोग गुड़ को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं कि इसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डायबिटिक पेशेंट को गुड़ खाना चाहिए, क्या इसके लिए ये खाना सुरक्षित है या नहीं। गुड़ या फिर तो खजूर से बनता है या फिर गन्ने के रस से बनता है। हालांकि इसमें बहुत सारे इसके स्वास्थ्यिक लाभ हैं गुड़ के, लेकिन गुड़ रक्त में जल्दी घुल जाता है, मतलब रक्त में शर्करा को तेजी से बढ़ाता है, चाहे ये हमारे अंदर जल्दी पच जाता है गुड़। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है जो कि हमारे रक्त में जल्दी घुलता है और शुगर के स्तर को जल्दी बढ़ा देता है। पहले के ज़माने में लोग गुड़ बड़े आराम से खा लेते थे, मधुमेह पेशेंट जो थे, क्योंकि तब गुड़ जो था वो भट्टियों में तैयार होता था, बहुत ही ओरिजिनल तरीके से तैयार होता था। लेकिन जो आजकल हमें गुड़ मिल रहा है वाइट कलर का, ऐसे बरूदे जैसा, वो गुड़ मधुमेह पेशेंट के लिए सेफ नहीं है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को गुड़ नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, जिनको शुगर नहीं है वो इस बीमारी से बचने के लिए, यानी कि डायबिटीज़ से बचने के लिए, चीनी को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि चीनी कहीं ना कहीं नुकसान ही कर रही है हमारी बॉडी को। इसकी बजाय जो भी गुड़ आपको अवेलेबल हो रहा है, अगर आपको पुराना गुड़ अवेलेबल हो जाए तो बहुत बढ़िया है। आप अपनी डेली की रूटीन में जो भी चीनी ले रहे हैं, जितनी भी शक्कर ले रहे हैं, उसकी जगह आप गुड़ का यूज़ करें। गुड़ हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, हमारी बॉडी के जहरीले पदार्थों को बॉडी से बाहर करता है। इसके अलावा वो डायबिटीज़ से हमें बचा कर रखता है, क्योंकि ये जल्दी हजम होता है, चीनी लेट हजम होती है। इसीलिए जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो गुड़ का ही सेवन करें, लेकिन जिनको डायबिटीज़ है वो गुड़ का सेवन नहीं करें। ये थी इन्फॉर्मेशन कि डायबिटीज़ पेशेंट को गुड़ खाना चाहिए या नहीं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स के थ्रू मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।